खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस विधायक अदिति सिंह जी। बहुत स्वागत है अदिति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अदिति जी, आप इसे मजाक बता रही हैं, कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, लेकिन ये तो पार्टी तो आपकी ही है, और क्या आप सही निर्णय नहीं मान रही हैं? नहीं, बात उसकी नहीं है कि निर्णय सही या गलत हो, पर जो मैं कह रही हूँ कि इस चीज का राजनीतिकरण हुआ है, वो मैं बिल्कुल कह रही हूँ, सही कह रही हूँ। इस समय ये समय नहीं है पार्टी लाइन से राजनीति करने का, ये समय है महामारी, वैश्विक महामारी आई हुई है, लाखों लोग अभी तक मर चुके हैं विश्व भर में, तो अभी टाइम है कि हम मतलब सब लोग पार्टी लाइन से उठकर काम करें। और जो मैंने कहा था कि इसमें मुझे राजनीतिकरण लग रहा है, वो इसलिए है कि ठीक है, यूपी सीएम ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कोटा से बहुत सारे बच्चों को लाए थे जो वहां फंसे हुए थे और परेशान थे, पर वो उन्होंने पहले परमिशन दी राजस्थान सरकार की, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहां से जो ड्यू डिलीजेंस है वो किया गया, परमिशन दी गई और तब यहाँ से बसें भेज के रातों रात उन बच्चों को लाया गया। आप यहाँ पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, आप कोट एंड कोट हजार बसें यूपी बॉर्डर पे छोड़ रहे हैं, राजस्थान यूपी बॉर्डर पे आपने खड़ी करी है, उनमें से भी आप सही, उसमें भी आप सही सूची नहीं दे पा रहे हैं, फिर पुलिस को एक एक वेट करनी पड़ी, प्रशासन को एक एक वेट करनी पड़ रही है कि विच आर एक्चुअली बसेस और कौन सी काफी ऑटो निकले, फोर व्हीलर निकले, टू व्हीलर निकले, जो जो भी निकले, तो इससे तो मतलब सरकार का टाइम व्यर्थ हो रहा है ना, और दोनों तरफ से, हर तरफ से कांग्रेस के भी लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ ऑब्वियसली यूपी सरकार का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये गलत है जिस तरीके से इन्होंने ये किया है, ये इतनी बड़ी पार्टी को, राष्ट्रीय दल को शोभा नहीं देता। आप गलत गलत सूची भेज रहे हैं, आप पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए हजार बसेज या जो भी जितनी भी इतनी आपकी उनको बॉर्डर पे खड़े करें, कुछ प्रोटोकॉल भी तो होता है, ड्यू डिलीजेंस होती है, अब कहाँ वो बसेज जाएंगी, कैसे किसको पिक करेंगी, कैसे उन लोगों की स्क्रीनिंग होगी, कहाँ तक आप ड्रॉप करेंगे, कुछ तो जानकारी मतलब होनी चाहिए, अब वरना फिर लॉकडाउन का फायदा क्या? बिल्कुल, ऑलरेडी इतनी तेजी से ये महामारी फैल रही है, तो फिर कुछ तो इसमें मतलब प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल अदिति जी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा राजनीति तो दोनों ही तरफ से हो रही हो, चाहे सरकार की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ हो, कांग्रेस के पास जो बसें हैं उसको आगे नहीं जाने की परमिशन दी जा रही है, तो कैसे दे रहे हैं आप? गलत गलत सूची दे रहे हैं आप, वहाँ पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं आप पहले परमिशन दी देते। मैं बस ये कह रही हूँ कि अभी ये राजनीतिकरण का टाइम नहीं है, ये जो बसों वाला पूरा इनके ऑफिस से या जिन लोगों ने भी, जो इनके सचिव हैं, जिन्होंने भी ये सब किया है, ये अनप्रोफेशनल तरीके से किया है, कि आप ये खुद सोचिए, यदि आप चीफ मिनिस्टर होते और आपकी जिम्मेदारी होती कि प्रदेश में जो भी वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं वो सेफ्टी सुरक्षा से अंदर बाहर कर रहे हैं, जो भी लोग एक जगह से दूसरी जगह हो रहे हैं, एंड ऑफ द डे आपकी जिम्मेदारी है, और यहाँ आप मतलब सही तरीके से सूची भी नहीं दे पा रहे हैं कि कितनी बसेज हैं, कौन वाहन चालक हैं, तो उसमें से ऑटो जी क्या आपको लगता है ये प्रोफेशनल है? क्या आपको लगता है कि हमारे देश प्रदेश में इस तरीके से काम होना चाहिए? जी अदिति जी, फिर आपने अपनी पार्टी को राय नहीं दी, क्योंकि ये पार्टी या तो राय सुन नहीं रही। बिकॉज मैंने किसी को राय नहीं दी, मैंने बस ट्वीट किया है, मेरा पर्सनल हैंडल है, यू नो लास्ट आई चेक वी वर इन अ डेमोक्रेसी, और सब अपनी मन की बात रख सकते हैं, जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, जो भी उनके जहन में है बात रखने का हक है, तो मैंने तो बस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कहा है। अच्छा अदिति जी, ये सोशल मीडिया की आप बात करें तो ये भी बहुत देख रहे हैं कि खत पे खत लिखे जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और बार बार ये दिखाने की बहुत कोशिश ये हो रही है हर तरफ से कि हम मजदूरों के सबसे ज्यादा हितैषी हैं, दोनों ही तरफ से अगर देखें तो। आपको लगता है मजदूर ट्विटर पे हैं क्या, जो ये ट्विटर वॉर्स ट्वीट देखने के लिए बैठे हुए हैं? जो हितैषी है वो जमीन पे काम कर रहे हैं, और जो नहीं है वो यहाँ बैठ के बयान दे रहे हैं जी। आप उधर के काम करिए, बहुत अच्छी बात है, इस समय ये पार्टीगत नहीं और ये व्यक्तिगत नहीं, हम लोग को इन सारी चीजों से उठ के काम करना है, बात उसकी नहीं है। जो बेचारा श्रमिक मजदूर इधर से उधर जा रहा है या जिसके पैर वहाँ बिल्कुल इतनी धूप में जल रहे हैं, वो ये नहीं पूछेगा कि भाई साहब आप कांग्रेस से आए हैं या सपा से या किस पार्टी से, आप उधर के उनकी मदद कीजिए, बट ड्यू डिलीजेंस फॉलो करना भी बहुत जरूरी है, वरना केसेस और बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। जी बहुत शुक्रिया अदिति जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।